So hi everyone, welcome to my channel. And for today I will be talking about Krishna's peace proposal. And इस video को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको next text की video चाहिए तो उसके लिए आपको 20 likes का target है इस video का. So do complete that target. And जैसे इस video पे 500 views and 20 likes complete हो जाएंगे तभी आपको next text की जो है वो video मिल जाएगी. So let's begin with this video. तो like को करना मत भूलना video को. कृष्णा पीस प्रपोजल. सो कृष्णा का पीस प्रपोजल क्या था, हम इसमें ये देखेंगे. एंड व्हाई कृष्णा ने जो पीस प्रपोजल रखा, क्योंकि उनका पीस प्रपोजल रखने का मतलब क्या था, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है, दो मतलब वॉर होने वाली थी पांडवास एंड कौरवास के बीच में. तो इसलिए जो है कृष्णा ने जो है बीच में इंटरवीन किया था. एंड ताकि वो इंटरव्यू उन्होंने क्यों किया कि ताकि जो है ये वॉर रुक सके, बिकॉज उन्हें एट द एंड जो रिजल्ट पता था कि रिजल्ट क्या होगा अगर जो है ये वॉर जो है वो हो गई, मतलब अगर ये वॉर जो है इसने अपना रूप दिखा दिया तो क्या होने वाला है, उनको रिजल्ट पता था. सो दैट इज व्हाई अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक शॉर्ट ब्रीफ एनालिसिस के बारे में कि ये पोएम है किस बारे में मिली, प्लॉट के बारे में मिली इसके. दैट इज जो महाभारत है, ये एंशियंट पोएम है जो कि डिस्क्राइब करती है मिथिकल कुरुक्षेत्र वॉर को बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ब्रदर, जो कि है मेनली पांडवास एंड कौरवास, जो कि है किंग भारता, मतलब जो कि डिसेंडेंट है किंग भारता के. ऑल्सो ये जो ऑथरशिप है, द ऑथरशिप ऑफ महाभारत जो है ये अट्रीब्यूट की गई है टू वेद व्यास. एंड ये इमेंसली पॉपुलर हुई थी इन इंडिया थ्रू साउथ इंडिया एंड थ्रू आउट द साउथ एशिया. तो ये दो जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, इंडिया में एंड साउथ एशिया में. इसको ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये जो है इज सो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट टू द हिंदू ट्रेडिशन की ये जो है समटाइम इसको रेफर किया जाता है एज अ फिफ्थ वेदा. जैसे अब कि आपको पता है फोर वेदाज है, मतलब फोर वेदाज है हिंदूज में. सो इट इज रेफर्ड एज द फिफ्थ वेदा, मतलब कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे की. नेक्स्ट अगर हम बात करें टुडे ऑल्सो ये जो महाभारत है ये रिमेन करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू एपिक एंड कंटिन्यू करता है कि सर्व कर सके एज द फाउंडेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस फेथ एंड माइथोलॉजी. सो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके कुछ सिनॉप्सिस. तो ये जो सेगमेंट है ये बताया गया मेनली, इसमें बताया गया है कि कृष्णा जो है एक मीडिएटर की तरह प्ले अपना रोल प्ले करते हैं बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, कि वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं कि ताकि वो स्टॉप कर सके इस ग्रेट वॉर को, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें जो है इमेंस डिस्ट्रक्शन जो है वो होने वाला है. एक्सेप्ट कौरवास, एवरीवन जो है वो चाहते थे कि इस वॉर को जो है अवॉइड कर सके, बट कौरवास का जो मेन दुर्योधन थे वो नहीं चाहते थे कि इस वॉर को जो अवॉइड किया जाए. एंड कृष्णा जो है वो हस्तिनापुर में आते हैं, या हम बात करने वाले आगे कि कहाँ से आते, क्यों आते, किससे आते, सब करने. बट कृष्ण जो हस्तिनापुर आते हैं और वो क्या करते हैं, वो दुर्योधन को जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्ट कर ले दुर्योधन अपनी मिस्टेक एंड दुर्योधन जो है इस वॉर को जो है रुकवा दे, क्योंकि उन्हें पता था एट द एंड दुर्योधन ही एक ऐसे इंसान है जो कि चाहते हैं इस वॉर को. तो अगर वो ही बंद कर देगा तो इस वॉर को वो ही लड़ना चाहेगा, तो उस लाइक की अगर मतलब पूरी वॉर के लिए एक ही मेन पर्सन है जो चाहते हैं वॉर हो, तो अगर वही नहीं चाहेगा तो वॉर होगी ही नहीं. और मैनी अदर्स लाइक धृतराष्ट्र, भीष्मा एंड द्रोणा. सो ये कहते हैं, मतलब ट्राई कर रहे थे कि वो जो दुर्योधन को समझा सके, बट दुर्योधन जो है वो नहीं मानता है. एंड इसी की वजह से जो है, बट ही डिसरिगार्ड्स एवरीवन एंड वो अडमेंट करता है अबाउट नॉट गिविंग द पांडवास देयर शेयर. तो वो चाहते हैं कि वो जो है पांडवास को उनका शेयर ना दे. दैट इज कि जब वो 12 साल के वनवास के बाद और एक साल के एग्जाइल के बाद जब वो लौटे थे, तो वो नहीं चाहता था कि उनको जो उनका एरिया है, जो उनका प्लेस था, आई थिंक मायावलपुर समथिंग लाइक दैट उसका नाम था, जो कि मैं भूल गई हूँ अभी तो, बिकॉज इतने सारे टेक्स्ट पढ़ लिए मैंने. सो बिकॉज कि मतलब वो जो है उनका घर जो है, इनको जो महल है वो उनको वापस नहीं करना चाहता था. एंड इसलिए वो चाहते थे कि वो जो है उनसे युद्ध लड़े कि ताकि उसे जो है इस पूरे को वापस ना करना पड़े. सो सबसे पहले क्या हुआ, लॉर्ड कृष्णा जो वो प्रिपेयर करते, अब जो है आपको मैं डिटेल समरी बता रही हूँ ऑफ ईच सेक्शन, और ये जरूर सुनना बिकॉज यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड नॉट द अदर थिंग्स जो एनालिसिस वगैरह होंगे वो. सो बिकॉज वो जो है सेम इसी पे बेस्ड होंगे, तो अगर आपको स्टोरी पता होगी सो यू विल बी एबल टू राइट एनालिसिस एंड अपने थॉट्स उस पूरे आंसर पे. सो लॉर्ड कृष्णा जो वो प्रिपेयर करते हैं कि वो जो है वो कहाँ जाए, वो हस्तिनापुर जाए ताकि वो पीस मैसेंजर, मतलब एज अ पीस मैसेंजर, ताकि वो पांडवास और कौरवास को जो समझा सके कि मतलब कौरवास को मेनली समझा सके कि लड़ाई ना करे और मेनली दुर्योधन को. एंड वो कहाँ से जाते हैं, वो जाते हैं वृकस्थला, वृकस्थला. सो वो इस जगह को छोड़ के जो है वो कहाँ जाते हैं, अपना हस्तिनापुर, ताकि वो प्रिपेयर कर सके कि ये वॉर ना हो. एंड वहाँ पे जो है सब उनको बहुत ज्यादा वो करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इनवाइटेबल, मतलब उनका स्वागत, या सो उनका स्वागत करते हैं. सारे सिटीजन जो हस्तिनापुर के हैं वो अपने हाउसेस के बाहर आते हैं ताकि वो एक ग्लिम्स कर सके, मतलब एक देख सके, जैसे कि देख नजर से देख सके लॉर्ड कृष्णा को, भगवान को. बट अपॉन अराइविंग जो मेंशन है वो पूरा वेलकमिंग होता है, किंग धृतराष्ट्र वगैरह सब उनका वेलकम करते हैं, बट इसमें जो है दुर्योधन फिर भी अवेलेबल नहीं होते, वो फिर भी जो वहां पर नहीं होते हैं. एंड वो जो है मतलब उनका स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कृष्णा क्यों आए हैं इस पूरी वॉर को रुकवाने के लिए, और जो कि वो चाहते हैं कि ये वॉर तो हो.
सो कृष्णा का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सेक्शन आपका 19th, तो पिछला सेक्शन था 89, अब है 90 सेक्शन. सो 90 सेक्शन में क्या होता है कि कृष्णा का नेक्स्ट जो होता है उनका मीट करते हैं, वो किससे मिलते हैं, दैट इज पेटर्नल आंट जो कि प्रीता, जो कि क्वीन है, क्वीन कुंती, वाइफ ऑफ पांडु एंड मदर है पांडवास की. और कुंती के बारे में मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, जिनका एक बेटा था करण जो कि हो गया था बिफोर हर मैरिज और जिसको उन्होंने जो है अबंडन कर दिया था. सो अब जो है ये सारे लोग जो इनका स्वागत मतलब ये सारे मतलब मेनली आंट जो प्रीता है वो पेटर्नल आंट प्रीता जो है वो उनका स्वागत करती है विद द टियरी आईज एंड मदरली कंसर्न. और वो ये इंक्वायर करती है कि पांडवास कैसे है एंड द्रौपदी कैसी है. और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उनके जो डॉटर इन लॉ है डेट इज द्रौपदी, उसका कैसे चीरहरण हुआ था. सो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जैसे हम कहते हैं डिसऑनर फील करती है एंड वो बहुत ज्यादा सैड होती है इस बात पे. एंड वो वेलबींग मतलब सबके चिल्ड्रंस और बच्चों के बारे में पूछती है. एंड प्रीता जो है वो अवेयर होती है कि वॉर जो अब आगे होगी उसके फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, एंड इसलिए वो भी चाहती है कि ये वॉर ना हो. कृष्णा जो है वो ट्राई करते कि वो आंट प्रीता को कंसोल कर सके एंड वो एश्योर करते कि वो पांडवास की और मतलब सबकी जो वो देखभाल पूरी रखेंगे. नेक्स्ट यू हैव इज 91 सेक्शन. सो अब आगे 91 सेक्शन जिसमें क्या बताया गया है कि कृष्णा जो है आप कहाँ मिलते हैं, किसको मिलते हैं मेनली, तो वो मिलते हैं दुर्योधन को इन हिज ग्रैंड पैलेस एंड वहाँ पे जो है वो एल्डेस्ट कौरवा से मिलते हैं जो कि अपने थ्रोन पे बैठे हुए होते हैं. वाइल सेवरल अदर किंग जो है और जो कुरुज है वो प्रेजेंट होते हैं इन द कोर्ट असेंबली. आफ्टर द वेलकम रिचुअल इन द ऑनर ऑफ कृष्णा जो दुर्योधन है वो उनको इन्वाइट करते कि वो उनके घर पे आए, मतलब हिम टू इन्वाइट हिम टू द हाउस, ताकि वो उनके घर पे आए और वो खाना खा सके, मतलब खाने के भी इन्वाइट करते नॉर्मली. बट कृष्णा जो है वो डिक्लाइन कर देते हैं. इसकी वजह से जो दुर्योधन जो बहुत ज्यादा दुखी मतलब दुखी तो नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उन्होंने मुझे जो है उन्होंने मतलब ऐसा मना क्यों किया. बट कृष्णा क्या कहते हैं कि वो जो है यहाँ पे तभी मतलब कुछ ना और कुछ खाएंगे या हाउ ही विल बी एबल टू ईट एंड एक्सेप्ट वर्शिप ओनली आफ्टर द सक्सेस ऑफ मिशन. तो वो कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारे घर पे खाना खा सकता हूँ और तुम्हारी वर्शिप वगैरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ तभी जब ये मेरा मिशन जो सक्सेसफुल हो जाएगा, डेट इज टू स्टॉप दिस वॉर. नेक्स्ट ईयर इज द नेक्स्ट सेक्शन डेट इज 92 जिसमें विदुरा जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कृष्णा को अबाउट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द दुर्योधन, के दुर्योधन ने क्या क्या गलत किया है. और वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गया है एंड अपने ईगो की वजह से, अपने लस्ट ऑफ पावर मतलब अपने पावर से इतना प्यार होने की वजह से जो है उन्होंने कितने गलत काम किए हैं. और कृष्णा ये भी बताते हैं कि उनको जो है सारी बातें पता है, डेट कृष्णा नोज एवरीथिंग अबाउट दिस. एंड विदुरा जो है वो बहुत ज्यादा अफ्रेड होते हैं दुर्योधन के ईगो के वजह से, उसके ग्रीड के वजह से, मतलब उसकी ईगो ग्रीड एंड लस्ट ऑफ पावर जो कि उनको लगता है कि इसके वजह से कभी भी जो है उनके किंगडम में जो पीस या शांति कभी भी नहीं आ सकती है. जितने भी किंग होते हैं उनको उनको ज्वाइन कर लेते हैं मतलब जो भी जिन्होंने भी किंग्स ने जिनको ज्वाइन कर रखा है दुर्योधन को, वो भी इसमें इसी डर में है क्योंकि उनको भी लगता है कि एट द सेम कि वॉर जो है वो कुछ नहीं देगी बट एक मतलब जैसे ना मार काट होती है वॉर में बट उसके अलावा उसका रिजल्ट कुछ और नहीं होता. जो भी किंग्स वगैरह जिन्होंने उनको ज्वाइन करके, तो वो भी इसमें बहुत ज्यादा परेशान है. इन द एंड विदुरा जो एक्सप्रेस करते हैं अपना लव एंड कंसर्न फॉर द पांडवास. तो इसे ये देखा जा सकता है कि मोस्टली जो फैमिली मेंबर है जो कौरवास के साथ रहते भी हैं बट फिर भी वो जो है वो किसका साथ देते हैं, मोस्टली पांडवास का, क्योंकि उन्हें पता है पांडवास सही है इसमें, क्योंकि उन्हें पता है कि पांडवास जो है वो है अगेंस्ट वॉर बट कौरवास मतलब कौरवास में मेरे दुर्योधन जो है वो है विद द वॉर और ही वॉन्ट्स द वॉर टू हैपन. सो नेक्स्ट यू हैव इज द सेक्शन 93 जिसमें आफ्टर लिसनिंग टू विदुरा कृष्णा जो है वो बताते हैं कि वो ऑलरेडी अवेयर है दुर्योधन के. या सो जो कृष्णा जो है मतलब वो बताते विदुरा को कि वो जो है ऑलरेडी अवेयर है कि क्या क्या मतलब पॉसिबल मतलब क्या क्या काम जो है दुर्योधन के इंटेंशन क्या है, क्या क्या दुर्योधन ने किया, उन सबके बारे में वो पहले से ही जो है अवेयर है. एंड कृष्ण ये भी डिटरमाइन करते हैं कि वो बेस्ट ट्राई करेंगे कि वो धृतराष्ट्र सन मतलब कि ट्राई हिज बेस्ट टू ब्रिंग अबाउट द गुड ऑफ धृतराष्ट्र सन कि मतलब अपने मतलब धृतराष्ट्र के सन में से जो है कुछ अच्छा ला सके एंड ऑफ द पांडवास मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट ला सके एज वेल एज ऑल्सो ऑफ ऑल द क्षत्रियास ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. इवन अब जो दुर्योधन है वो रिजेक्ट कर देते हैं कृष्णा की प्ली को बट एटलीस्ट कृष्णा जो है उनका एक सेटिस्फेक्शन है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओन कॉन्शियस. कृष्णा की इंटेंशन जो है वो बहुत जो सर्व करती है बहुत पार्टी का जा सेव मैनकाइंड क्योंकि उनकी मेन इंटेंशन थी कि वो मैनकाइंड को जो इंसान को वो सेव कर सके बचा सके इस पूरे युद्ध से. कृष्णा जी वो अफ्रेड है दुर्योधन के रिएक्शन से इस मतलब वो अफ्रेड नहीं है कृष्णा मतलब कृष्णा इज नॉट अवेयर ऑफ दुर्योधन रिएक्शन और डैट द लेटर में ट्राई टू हार्म हिम क्योंकि उन्हें पता है कि दुर्योधन जो है वो कृष्णा को हार्म ज्यादा नहीं करेंगे. दुर्योधन विद ऑल द पावर ही मे पोजेसेस इज नो मैच ऑफ कृष्णा बट क्योंकि वो कृष्णा से उनके पास ज्यादा पावर है एंड ही वुड बी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग बिफोर द
एंड्रेट लायन, क्योंकि उनको पता है कि वो लायन के सामने जो है वो खड़े नहीं हो सकते, मतलब इट्स लाइक अ कि ही वुड बी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग बिफोर एन एंड्रेट लायन, मतलब वो मेरे सामने खड़े नहीं होते, खड़े हो सकते, ऐसा कृष्णा को लगता है. सो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि एक बैंड होता है ऑफ कैरियोटर्स, आई थिंक इसको मैसी प्रोनाउंस करेंगे बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, डू लेट पुट इन द कमेंट्स कि इसको अगर हम कुछ और प्रोनाउंस करेंगे तो. सो अ बैंड ऑफ कैरियोटर्स जो है कैरियोटर्स जो है एंड बर्ड्स बार्ड्स वेक्स कृष्णा विद अ मेलोडियस सॉन्ग्स, मतलब कि वो जो है उनको एक मेलोडियस सॉन्ग से जो उनको उठाते हैं सुबह सुबह. कृष्णा जो है आफ्टर टेकिंग बाथ और वो परफॉर्म करते हैं मॉर्निंग प्रेयर रिचुअल्स एंड वो रिसीव करते हैं दुर्योधन से एंड शकुनी से, मतलब वो उनसे पूरा मिलते वगैरह. उसके बाद जो है दे इन्वाइट कृष्णा टू ज्वाइन द रॉयल कोर्ट एंड ऑल जो भी सिटीजन होते हैं वो फिर से आ जाते हैं कृष्णा को बाहर देखने के लिए एंड ऑल द किंग्स एंड रॉयल गेस्ट जो है वो अराइव कर जाते हैं ताकि वो कृष्णा से मीट सके इन द कोर्ट. सो एवरीवन जो है वो कृष्णा के एंटर उनसे तक बैठ जाते हैं, एवरीवन इज सीटेड व्हेन कृष्णा एंटर्स, तो सब जो बैठ जाते हैं जब वो कृष्णा को देखते हैं एंड आफ्टर ग्रीटिंग एवरीवन जो कृष्णा जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को कि वो इन्वाइट करे द ऋषिज इनसाइड द कोर्ट एंड वंस जो ऋषिज जो है वो भी सेटल हो जाते हैं जो मीटिंग जो है वो फिर बिगिन हो जाती है जो कि वेटिंग पे थी. That everyone is waiting for the begins. So now we have इसकी कृष्णा जो है वो स्टार्ट करते हैं his case of stressing on the dire necessity of peace and establishing between Kuru मतलब कौरवास एंड पांडवास ताकि वो जो है इस पूरे डिस्ट्रक्शन को जो है वो रोक सके, तो वो इसलिए चाहते हैं कि वॉर को जो है वो पीस में बदला जा सके. कृष्णा जो है वो रिमाइंड कराते हैं किंग धृतराष्ट्र एंड दैट कि जो कौरवास है वो हेड है दुर्योधन के, मतलब हेडेड बाय द एक सेकेंड. सो कृष्णा रिमाइंड्स किंग धृतराष्ट्र दैट जो कौरवास दैट द कौरवास हेडेड बाय द दुर्योधन, मतलब जो दुर्योधन जो है वो हेड कर रहा है लीड कर रहा है कौरवास को, अबैंडनिंग बोथ वर्च्यू एंड प्रॉफिट एंड वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं मोरालिटी को एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर सेंसेस बाय एवराइस आर नाउ एक्टिंग इन द मोस्ट अनराइटियस मैनर, कि उनको पता है कि अब जो है ये जो दुर्योधन है वो बहुत ही गलत मैनर में जो बिहेव कर रहे हैं. बिकॉज अब जो है अगर ये वॉर हो गए तो वो क्या होगा, एट द एंड वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही होने वाला है ऑन बोथ द पार्टीज इज इनेविटेबल, जिसको नापा भी नहीं जा सकता कि कितना बड़ा जो है वॉर का रिजल्ट होने वाला है. कृष्णा जो है वो आस्क द किंग दैट नो मैटर हु विंस फॉर किंग जो है किंग विल सफर द किंग विल सफर एज इवन पांडवास आर द सन्स ऑफ हिज डियर ब्रदर पांडू, क्योंकि वो भी जो उनके डियर ब्रदर पांडू के जो बेटे हैं. थस एज डियर टू हिम एज कुरुस, मतलब कि जैसे वो पांडवाज हैं वैसे ही कुरुज है उनके लिए. एंड कृष्णा जो वो रिक्वेस्ट करते हैं किंग एंड द कुरु क्लैन कि वो जो अबंडन कर सके इस रॉथ को एंड एनिमिटी एंड लेट दिस किंग क्रिएट वॉरियर्स एंड एनिमीज रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, और वो कहते हैं कि सबको जो अपने घर पे आने दिया जाए, बट दुर्योधन तो नहीं चाहते कि वो उनका मतलब पांडवाज का किंगडम उन्हें वापस करे. सो कृष्णा वो रिमाइंड कराते हैं द किंग ऑफ हिज ड्यूटी कि उनकी क्या ड्यूटी है एज अ फादर, डेट इफ जो चाइल्ड है वो गलत पाथ पे जाता है देन उनकी ड्यूटी है कि वो उनको जो है राइट या फिर सही पाथ पे फिर से लेकर आए. पांडवास जो है आर ओनली आस्किंग फॉर देयर शेयर, जो कि उनके पेटर्नल किंगडम है तो वो उसी के लिए मांग रहे हैं. एंड कृष्णा रिमाइंड करते हैं एवरीवन कि जो ग्रेट मिजरी है डेट जो पांडवास है हैव एंड्योर्ड बाय लिविंग इन द वुड्स फॉर 12 इयर्स, कि उन्होंने जो है फॉरेस्ट में, मतलब जैसे टेप से कहते हैं ना, उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर लिया फॉरेस्ट में रहकर एंड लिविंग इन हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, और वो एक साल के लिए एग्जाइल में भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी नॉलेज जो है वो प्राप्त कर ली है. दे हैव कंप्लीटेड देयर साइड ऑफ द बेट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कुरुस, कि वो जो है उनको जो उन्होंने बोला था कि जब वो वापस आएंगे तो उनको जो है सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा, बट अब उन्हें नहीं मिल रहा उनका घर, उनका किंगडम उन्हें नहीं मिल रहा. एंड इट इज द मेन थिंग कि अब वो चाहते हैं कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए. देन वी हैव दिस द स्टोरी ऑफ द दम्बोदया एंड द मतली सेक्शन. सो अब बिकॉज मैंने आपको ये मेन स्टोरी बता दी है, इसके आगे की स्टोरी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछी जाती है. सो इसलिए आई विल डायरेक्टली मूव टू द समरी नाउ. अगर आपको इसको रीड करना है यू कैन डायरेक्टली पॉज दिस वीडियो एंड देन यू कैन रीड. सो ये आपको सेक्शन 105 तक. देन हियर इज द स्टोरी ऑफ गालवा. सो सीइंग दुर्योधन रिएक्शन, जो कृष्णा भीष्म है नारदा है वो ट्राई करते हैं कि उसको वो कंसोल कर सके. नारदा जो है वो स्ट्रेस करते हैं कि इंपॉर्टेंस है ऑफ लिसनिंग टू द काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस. सो इसमें आपके पास सारी स्टोरी है ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेन स्टार्टिंग स्टोरी पता होनी चाहिए एंड एट द एंड मैं आपको बता देती हूँ समरी उस पूरे टेक्स्ट की. जैसे कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि आप कुछ कुछ पार्ट जो है स्किप कर देते हो एंड दैट इज बिकॉज कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टेक्स्ट जो मतलब किस किस के में मेन ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में तो मैं एक बार आपको पूरा टेक्स्ट कवर करती ही हूँ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आंसर सारे उसी में होते हैं. नाउ यू हैव दिस द एनालिसिस
कि अबाउट द सेगमेंट बिलोंग्स टू महाभारत. कृष्णा जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू स्टॉप दिस वॉर एंड ताकि वो मैसेज देते हैं पीस का, कि ताकि जो है ये वॉर जो है वो किसी डिस्ट्रक्शन में लेट ना करे. एंड मेन इसमें दिखाया गया दुर्योधन के इंटेंशन और दुर्योधन कितने कनिंग होते हैं कि वो 12 साल के वनवास जो पांडवस काट के आ चुके हैं उसके बाद उन्हीं की जो किंगडम है वो ही उन्हें वापस नहीं कर रहे. फ्री विल इज आवर कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस इन लाइफ एंड जो मेन होता है डिसीजन, मतलब कि एक अच्छा डिसीजन लेना, डेट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड एक्सप्रेस करना अपने डिजायर्स टू द यूनिवर्स. वट वी डू विद आवर फ्री विल शेप्स आवर कर्म, मतलब जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म को जो डिसाइड करता है. एंड कर्म जो है लिटरली रिप्रेजेंट करता है कॉज एंड इट्स इफेक्ट. इन दिस सेंस जो कर्म है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एज वट यू डू इन द लाइफ एंड कम बैक टू यू. सो कर्म वही है कि जो आप करोगे वही आपको जो है उसका, जैसे कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे टाइप ऑफ, तो आपको वही आपका रिजल्ट होगा और वही आपकी डेस्टिनी होगी. डेस्टिनी की टू मीनिंग्स होते हैं जो कि इससे अटैच है. ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ये एक ग्रेटनेस, मतलब इट इज अ ग्रेटनेस जो आपके पास आती है कि आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका कर्म है, वो आपको एक अच्छा फ्यूचर देंगे, अच्छी लाइफ देंगे. एट द सेम टाइम अगर आपकी कर्म अच्छी नहीं है तो आपकी डेस्टिनी भी उतनी ही बुरी होगी. इट्स लाइक कि आप जो भी करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. देन हियर इज द थीम. सो फर्स्ट थीम इज धर्म. सो धर्म जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है आपका महाभारत का, इसको याद रखना. एंड ऑल्सो क्योंकि अभी थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं कुछ कुछ टेक्स्ट स्किप कर रही हूँ, बट डू रीड दिस. सो धर्म जो एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज डिस्कस एट लेंथ इन द पोर्शन नोन एज भगवद गीता. सो भगवद गीता में जो है धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है. हर करेक्टर का जो है इन द एपिक हैज टू डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर धर्म, के जो उनका काम है. कृष्णा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द पीस पैसेंजर, क्योंकि मतलब वो पीस लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. धृतराष्ट्र और गांधारी जो है थ्रू द पेरेंट्स ऑफ दुर्योधना, वो जो उनको उसको राइटियस प्लेस में नहीं ला पाते हैं जो कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन यू हैव दिस द स्टोरी टेलिंग जो कि नेक्स्ट थीम है आपका. एंड स्टोरी टेलिंग इज कि आप तो रीड कर सकते हो बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट थीम. नेक्स्ट यू हैव इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्चुअस एंड राइटियसनेस, जो कि दुर्योधन ने नहीं निभाया बिकॉज दुर्योधन को जो है वो जैसे बाकी सारे वनवास से आए थे पांडवास, तो उसका जो राइट था, उसका जो वर्च्यू थी, उसका वर्क ये होना चाहिए था कि वो जो है उनको उनका प्लेस जो है वापस से दे, बट ऐसा उसने नहीं किया. ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन कैरेक्टर्स. सो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट देयर आर टू वुमेन हु प्रेजेंट इन द पोर्शन ऑफ दिस एपिक. सो फर्स्ट इज जो प्रीता जो कि कुंती, जो कि मदर होती है पांडवास की एंड द वाइफ ऑफ पांडू, या सो वाइफ ऑफ पांडू. एंड उनका एक बेटा और होता है दैट इज करण, जो कि मैंने आपको पिछले टेक्स्ट में बताया था द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण. सो सेकेंड इज क्वीन गंधारी, और क्वीन गंधारी जो है वो वुमेन है, मतलब वुमेन है ऑफ कौरवास एंड अ वाइफ ऑफ किंग धृतराष्ट्र. बहुत जो वुमेन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें. क्वीन गंधारी जो है वो लाती है दुर्योधन को बैक टू द असेंबली एंड वो उसकी सारी चीजें मतलब सुनती है एंड सब कुछ. माधवी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज माधवी इज ओनली वुमेन कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करती है इस पूरी स्टोरी में. एंड इवेंचुअली वो डिसाइड करती है टू चूज सेलिबेसी ओवर मैरिज. एंड माधवी जो है वो डॉटर है ऑफ किंग यायात्री एंड जो कि ओबे करती है हर फादर विश टू हेल्प गालवा. और इन गालवा रिक्वेस्ट, मतलब इन गालवास क्वेस्ट शी गेट्स एक्सप्लॉयटेड रिपीटेडली, और उनकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट भी होती है. देन यू हैव इज द समिंग अप. सो ये मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, दैट इज कि महाभारत जो है एक एपिक है टेक्स्ट जो कि आपको टीच करते हैं ह्यूमन काइंड एंड आपका लाइफ में धर्म. सो आपको धर्म को टीच करता है. इट इज वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है अपनी डेस्टिनी को मतलब अच्छे से फुलफिल कर पाओ एंड जिसके लिए आपको धर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में. जो पांडवास है वो विन करते हैं वॉर को एंड वो एक्वायर करते हैं अपना राइटफुल, मतलब उनका जो राइटफुली उनको एक्वायर, मतलब जो उनका था वो उसी को जो है एक्वायर करते हैं. द फैक्ट डैट द डिवाइन जो कृष्णा है वो चूज करते टू बी द विद द पांडवास एंड वो सिग्नल करते गॉड को कि वो सपोर्ट करे ओनली दोज हु प्रैक्टिस वर्च्यू एंड राइटियस इन देयर लाइफ. और वो ये भी कहते हैं कि जो राइटर्स है उसको ही प्रेफर किया जाए एंड नॉट द रॉन्ग वंस. देन यू हैव इज द ग्लॉसरी. पहला है धर्म. सो धर्म होता है आपका रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी. नेक्स्ट इज योर ऋषि. ऋषि जो होते हैं वो हिंदू सेग होते हैं या सेंट होते हैं. देन यू हैव इज दानव्स. दानव्स हम जनरली कहते हैं डीमंस, मतलब कि जो पर्टिकुलरली अगर आपने पढ़ा हो तो आई थिंक वो किसी टेक्स्ट में था, मैंने पढ़ा हुआ है इसका. सो दानव डीमंस जो है उनको जनरली लाया जाता है कि ताकि जो है वो किसी और को पर्टिकुलरली मार सके एंड वो जब तक आजाद नहीं होते जब तक जो है जिन्होंने उनको बनाया है वो उन्हें आजादी ना दे दे. नेक्स्ट यू हैव इज कुरुस. सो कुरुस जो है वो है कौरवा का क्लेन. देन यू हैव इज नागास. सो नागास इज द मेंबर ऑफ सेमी डिवाइन रेस जो कि पार्ट है ह्यूमन के एंड पार्ट ऑफ कोबरा इन फॉर्म, मतलब उनका जो बॉडी है इस टाइप ऑफ ह्यूमन एज वेल एज कोबरा एंड वो एसोसिएट करते विद वॉटर एंड समटाइम्स विद द मिस्टिकल इनिटिएशन.
नेक्स्ट है क्षत्रिय. सो क्षत्रिय तो आपको पता होगा डेट इज अ वेदा. सो ये एक मेंबर है सेकंड, मतलब सेकंड है ऑफ द फोर ग्रेट हिंदू कास्ट. मतलब ये वेदा जैसे होते हैं वैश्य शूद्र वगैरह सारे. सो इसमें जो है क्षत्रिय जो है वो सेकंड नंबर पे आता है. सो जो ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल फंक्शन जो है क्षत्रिय का इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड वो जो फाइट करते हैं इन द वॉर टाइम एंड गवर्न करते हैं इन द पीस टाइम. मतलब वो चाहते हैं कि पीस आए और इसके वजह से जो वो लड़ाई करते हैं. बट दिस डज नॉट शो इन द दुर्योधन जो कि खुद एक क्षत्रिय है बट वो कभी भी जो है रिजल्ट एज इन वो पीस में नहीं चाहते थे और वो वॉर टाइम में एंड ज्यादा डिस्ट्रक्शन में चाहते थे. सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हेयर ओनली. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड जैसे मैंने आपको बताया वीडियो का लाइक टारगेट डेट इज 20 लाइक्स का एंड वीडियो का व्यूज टारगेट इज 500 व्यूज का, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हेयर ओनली एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.